सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम खड़गपुर डिवीज़न में जो अभी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया जो चल रही है थर्ड पैनल के लिए, जो भी कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो आज डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया में क्या क्या चल रही है वो सारी चीज़ें, सारी जानकारी, सारी अपडेट लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो भाई और इनसे जानेंगे कि सारी प्रक्रिया में क्या क्या चल रहा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स और एक बात कहेंगे कि जिन कैंडिडेटों को अभी तक ये बता रहे थे, जो कमेंट कर रहे थे कि उनका फर्स्ट पैनल या सेकंड पैनल में नाम है, लेकिन अभी तक उनको कोई भी चीज़ पता नहीं चला कि किस डिवीज़न में उनका हुआ है, ऑफ़र लेटर पता नहीं, क्या पोस्ट मिला है, तो उनके बारे में भी एक चीज़ जो मेरे पास अभी आया है इन्फॉर्मेशन, वो भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी शेयर करूँगा आप लोगों को। तो सीधे पहले भाइयों से जुड़ते हैं और उनका एक्सपीरियंस और आज जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया चली है सारी चीज़ों को जान लेते हैं। तो भैया सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और मैं बिहार से आया हूँ। भैया आपका नाम? मेरा राहुल कुमार, मैं भी बिहार से आया हूँ। अच्छा, तो आज जो भैया आप लोग का थर्ड पैनल में नाम था? हाँ, मेरा थर्ड पैनल में नाम था। आपका भैया? थर्ड पैनल में। तो आज के जो प्रक्रिया था, आज आप लोग जैसे यहाँ पर आए, तो आप लोगों को क्या पोस्ट मिला है? हमको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला है। और आपको भैया? सिग्नल मिला है। हाँ, मैंने आपको इंजीनियर, इनको सिग्नल मिला है। अच्छा, जो आज रिपोर्ट किए हैं आप लोग, तो रिपोर्ट के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ा और क्या क्या? सिर्फ पहले जो भी आप डीवी में दे चुके हैं तो उतना नहीं देना है, जो अटेस्टेशन फॉर्म मिला है वो भर के जमा करना है, और बाकी जो लेटर है उसी में करेक्टर है वो आपको भर के जमा करना है एक्स्ट्रा, और आपका बैंक पासबुक चेक, वही कैंसिल चेक, और फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी कुछ नहीं जमा करना है। तो जैसे कि आप लोग का थर्ड पैनल में था भैया, तो थर्ड पैनल में और कितने कैंडिडेट आ जाए थे जो थर्ड पैनल में आज ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के लिए? वही जहाँ तक हम देखे हैं लगभग 15-20 कैंडिडेट थे, और वही प्रोसेस हुआ जो डॉक्यूमेंट्स था। अगर जिसको ऐड करवाना है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, जो ऐड नहीं करवाया वो अगर ऐड करवाना चाहे तो ऐड करवा सकता है। अच्छा, सपोज कोई अगर ग्रेजुएशन किया है लेकिन फॉर्म भरते समय 12+, वो अभी डाल सकते हैं, उन्हीं के लिए अभी ये ऑप्शन है कि कोई भी डॉक्यूमेंट यदि उनका बाकी रह गया है तो वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सपोज अभी की कोई डॉक्यूमेंट, जैसे किसी के पास चेकबुक नहीं है, तो मान लीजिए कि चेकबुक अभी नहीं, वो फिर आके सबमिट कर सकते हैं, अभी उनके पास एक मंथ का टाइम दिए। हाँ, तो अगर बात करें भैया कि फिर आप लोगों को कब बुलाया गया कि आप लोग आके यहाँ पर? मिनिमम बोला गया है कि 1 मंथ तो लगेगा ही, क्योंकि सेकेंड पैनल वाला का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, वो लोग का रिपोर्ट होके सब रखा हुआ है, लेकिन वो लोग का अभी आज जहाँ तक जानकारी मिला कि वो लोग का प्रक्रिया अब शुरू हुई होने वाला है, क्योंकि वो लोग का सारा तैयार है प्रक्रिया जो भी होना है ज्वाइनिंग के लिए, अब जल्द ही उन लोग को बुलाया जाएगा ज्वाइन। सेकंड पैनल के जितने भी कैंडिडेट थे जो वेट कर रहे थे? हाँ, जो वेट कर रहे थे वो लोग घबराए नहीं, उन लोग को जल्द ही बुलाया जाएगा अब, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्म आज मिला वहाँ पे कि सेकंड पैनल को अब इसके बाद बुलाया जाएगा, सप्ताह के अंदर आसपास सेकंड पैनल वाले का बुलाया जाएगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स कि जो भी सेकंड पैनल के लिए जो इंतजार कर रहे थे, तो उनका अब नेक्स्ट वीक में शायद उनका कॉल जाए और उनको बुलाया जाए और उनका ज्वाइनिंग दिया जाए और उनका मेमो दिया जाए। इसके अलावा अगर बात करें भी है कि आप लोगों को कितने दिन के अंदर फिर बोला गया कि आप लोगों को बुलाया जाएगा रिपोर्ट? तो है मिनिमम एक मंथ, मिनिमम एक मंथ बोला है। बोले हैं कि आप लोगों को कॉल करके बुलाया जाएगा। ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसको है, मतलब हम लोग को बोला गया कि आपको ऐड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसमें मैसेज या वो लोग कॉल करेंगे, उसी में बताएंगे कि कब आना है। अच्छा, अगर बात करें कि यहाँ का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा, जो स्टाफ है वो आप लोगों से कैसा बिहेव कर रहे हैं और यहाँ पर किस तरह? सब सपोर्टिव है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ सपोर्टिव है। उन्हीं से पूछ रहे थे कि 5-10 मिनट का प्रोसेस था, लगभग टोटल कंप्लीट हो गया। हो रहा था कोई भरने में कोई भी किन्हीं को, तो जाके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या भराएगा, वो खुद बता दे रहे थे। तो अटेस्टेशन वगैरह में और सारी चीज़ें आप लोग भर के लाए? हाँ, खुद भर के लाए थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, और जो भी एक्सपीरियंस था आप हमारे साथ शेयर किए, मनीष जी और राहुल जी आप दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। फ्रेंड्स, एक बात कहनी थी कि अगर किसी भी कैंडिडेट का ऐसा है जो फर्स्ट पैनल या सेकंड पैनल में है और अभी तक उनका नाम नहीं दिया है अभी तक पैनल में, तो काइंडली अपना नाम पहले चेक कर लीजिएगा पैनल में जो रोल नंबर मेंशन किया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो पैनल में अपना नाम जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एक कैंडिडेट थे जिनका अनफिट कैंडिडेट में नाम भी नहीं था, 124 कैंडिडेट में जो निकला था उसमें भी उनका नाम नहीं था, और नॉन PWBD के कैंडिडेट थे तो किसी भी लिस्ट में उनका नाम नहीं था। फाइनली जब वो बढ़िया से चेक किए तो उनका सेकंड पैनल में नाम था और उनका ऑलरेडी लगभग 2 मंथ हो चुका था,
तो आज जाकर पता चला, आज वो जीआरसी में गए तो उनका रांची डिवीजन और पॉइंट्समैन का पोस्ट मिला है। तो काइंडली आप लोग पहले बढ़िया से चेक कर ले पैनल में, जिनका रोल नंबर अभी तक नहीं आया है तो अपना पैनल लिस्ट जरूर चेक कर ले कि हो सकता है कि किसी न किसी पैनल में आपका नाम हो और मिस हो गया होगा। तो इस तरह से भी हो रहा है ऐसा केस। एक और फ्रेंड था, उनका ऐसा ही हुआ था, उनको जब आ गया मैसेज आया रोजगार में लगा, तब उनको पता चला कि मेरा भी नाम है, तब वो फिर से अपना लिस्ट में देखे तो उनको पता चला कि मेरा नाम था इसमें। तो इस तरह से भी चीज़ें हो रही है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप लोग ख्याल रखिएगा। और जो सीकेपी डिवीज़न है जिनमें कैरेक्टर का जो है ना, कम से कम एक साल का लोग बना कर आए तो ठीक है। और कैरेक्टर में जो भी लाते हैं तो उसमें कोशिश कीजिए कि वो वन ईयर सिक्स मंथ लिख के लाएँ, क्योंकि आज भी एक कैंडिडेट को लौट के जाना पड़ा यहाँ से, उनको दोबारा बोला गया बना के लाने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि सिर्फ 5 मंथ ही लिखा था, 5 मंथ, तो उसे उनको दिक्कत हो गया, उनको बोला गया फिर से आप कैरेक्टर बनवा के लाने। तो अगर 5 मंथ लिखा गया तो 5 1 साल ही तो पुराना होना चाहिए ना। हाँ, मतलब वैलिडिटी जो कैरेक्टर जो होता है ना उसमें DRM लिख कर देता है कि हाँ हम इतना दिन से आप लोग को जानते हैं, तो उसमें 1.5 साल कम से कम होना चाहिए। तो वो तो 5 महीना लिखे थे ना। हाँ, वो 5 लिख दिए थे जिनके कारण उनको फिर से बनाना पड़ेगा। जैसे अभी जो करेक्टर यहाँ से भेजा गया है ज्वाइनिंग प्रक्रिया में, इसमें करेक्टर मिनिमम 1 ईयर का चाहिए ही, मिनिमम यदि 1 ईयर है तो सबसे अच्छा है, तो वो लिखना है खुद, इसमें कहीं कुछ नहीं है। अगर DRM ना लिखे तो खुद से लिख दीजिए, मतलब SDO अगर नहीं लिखे तो 1 साल वैलिडिटी, वो खुद से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप आज बात करें भी कैरेक्टर को लेकर, तो कितना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा टोटल, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कमेंट आ रहे थे कि 4 कैरेक्टर। नहीं नहीं, हम लोगों में तो यहाँ 2 कैरेक्टर ही लगा, 2 कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर एक ही लगा, मतलब 2 को का साइन था उसमें वही लगा, 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर, 2 गजेटेड। लेकिन किसी किसी का ऐसा है कि किसी किसी विभाग में ऐसा जो कि वर्कशॉप में है तो वहाँ पर कुछ कुछ लग रहा है इस तरह से, वर्कशॉप डिपार्टमेंट जिसको मिला है वहाँ पे 4 कैरेक्टर एक्चुअली लग रहा है, प्रिंसिपल का भी लग रहा है, फिर और ये 2 तो लग ही रहा है, एक आध और लगा। किसी किसी का ऑफर लेटर भेजा है उसमें 4 कैरेक्टर दे दिया गया है, तो इस तरह से 4 कैरेक्टर भी बना के लेके आना पड़ेगा। हाँ, तो 4 अगर दिया है तो 4 कैरेक्टर। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे साथ राहुल जी और शुभम जी, मनीष जी, थैंक यू हमारे साथ बनने के लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स जो भी न्यूज़ थी यहाँ से, और CKP के जो भी कैंडिडेट है उनको बता दूं कि आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, जो 38 कैंडिडेट है PWBD के, मैं उनके बारे में भी पता लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, जल्द से जल्द आप लोगों को अपडेट करूँगा। और जो अपडेट थी खड़गपुर की आज मैं आप लोगों को देने की कोशिश की, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।